तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिंदी अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्द अथवा अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या सजावट की जाती है तो वहाँ अलंकार होता है। अलंकार बच्चों कितने प्रकार का होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजाना, सजावट करना, किसी कविता में सजावट करना यानी कविता में लचीलापन लाना। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ शब्दालंकार होते हैं, और जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रांश अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो गाइड्स, आज हम अनुप्रांश अलंकार के बारे में बताएंगे। अनुप्रांश अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, उसे अनुप्रांश अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी तनु जाटत तमार तरुअल बहु छाए, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, जैसे कि तरनु तनु जाटत तमार तरुअर बहु छाए, ताता बार बार आ रहा है, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आ जाइए यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका मतलब अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा एक और शब्द में याद किया जा सकता है, जैसे यमक का अर्थ होता है दो या जोड़ा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बच्चों काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घट जाना। जहाँ पर भी ऐसे अलंकार या ऐसे वाक्य आए वहाँ यमक अलंकार होता है, यानी कि घटा घटा दो बार आया और दोनों बार ही घटा शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, इसे यमक अलंकार कहते हैं। अब आ जाइए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी इसी तरह मिलता जुलता है, जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाना, जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, गांठ तहाँ रस नहीं, या जानत सब कोई, इसमें क्या होता है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं निकलता। दूसरा अर्थ होता है, जब लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तब प्रेम का वह रस नहीं रह जाता। इस प्रकार गांठ के दो अर्थ हो गए, एक गन्ने के गांठ का हो गया और एक दोस्ती के गांठ का हो गया। शब्द कितना है? एक है, और उसके अर्थ कितने हो गए? अनेक हो गए, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। बच्चों अब आ जाइए अलंकार के दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? चार। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अभी हम यही पढ़ेंगे, उसके आगे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का सरल अर्थ होता है तुलना। जब किसी की तुलना किसी और से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में
जब दो वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना उनके एक जैसे स्वभाव की वजह से होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा, सी, सम, सरस के जैसे आदि। उदाहरण जैसे समझ लो बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर इसमें इसका अर्थ होता है कि इसमें राजा दशरथ का मन पीपर पात यानी पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे, यानी राजा दशरथ का मन किसके पत्ते की तरह डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। अब दूसरा आ जाइए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जब दो व्यक्ति या वस्तुओं का एक समान बताया जाता है, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है अथवा एक ही मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसका अर्थ है माँ मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। बच्चों समझे, ऐसे स्थान पर आप रूपक अलंकार का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को खिलौने का रूप मान लिया गया है, चंद्रमा को खिलौने के समान मान लिया गया है। यहाँ पे रूपक अलंकार है जब दो व्यक्ति वस्तुओं को एक समान बताया जाता है या एक जैसा मान लिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। अब आ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जब किसी दो के बीच तुलना होती है, दो के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है, दूसरे को उपमान। जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की तुलना करने की कल्पना की जाने लगे तो उस उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मतलब मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इसमें बादल की तुलना एक धमाक से की गई है जो शहर से गांव में आया है। पाहुन जो आयो हो गांव में शहर के, और दूसरा है मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इसमें दमाद की तुलना बादल से की गई है, या समझ लो बादल की तुलना दमाद से की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का सरल तरीका है जिस वाक्य में जानू, मानू, ज्यों, निश्चय आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जानू मानू उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आता है। अतिशयोक्ति अलंकार चौथा क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, जब कोई वर्णन बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाए तो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति, मतलब अति हो जाना किसी चीज़ का। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें इसका वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है।